अस्सलाम वालेकुम आई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो भैया आज फिर हम जा रहे हैं रूटीन चेकअप वो हॉस्पिटल में। पिछले सैटरडे को हमने रिपोर्ट करवाई थी, तो आज डॉक्टर्स को दिखाना है और वो बताएगा कि हमने वही मेडिसिन खानी है कि चेंज करनी है। और मेरे हस्बैंड के भी दोबारा टेस्ट हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था बार दफ़ा गर्मी होती है जिस वजह से ना ऐसा हो जाता है। तो हफ्ते बाद आपकी दोबारा रिपोर्ट होगी, अगर फिर वही मसला आएगा तो फिर आपका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। हफ्ता हमने बड़ी ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाई हैं इनको, इनको भी गर्मी हो गई थी, इनकी गर्म तबीयत है ना जल्दी से असर हो जाता है। तो वो अहमद और रुकजान उसके मेरा वेट कर रहे हैं और अहमद रो रहा है जल्दी जल्दी ना हो जल्दी जल्दी। अब हम निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी। और जाजिब जो है ये बैठा नाश्ता कर रहा है, ये नहीं जा रहा साथ हमारे और हमने अभी नहीं किया। मेरा पर्स कहाँ? ओके बेटा चलिए जी निकलते हैं। मौसम तो बहुत प्यारा है, ठंडी हवा भी और धूप भी। मोर कट रही है डोर नहीं बंद किया मैंने। चल अहमद चले जी, फिर हम लेंगे नंबर अपना। वाओ रश भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आपने अपना नहीं लेना था? नहीं मेरा तो वो लिखा हुआ है। अच्छा वो टेस्ट हो गया। कितना प्यारा कबूतर। और ये बिल्डिंग वामरा हॉस्पिटल की, और ये उस डॉक्टर के पास ही जाऊँ जिसने कहा था। नंबर शंबर लगवाने की ज़रूरत नहीं है? नहीं फिर आप नंबर शंबर कुछ भी नहीं, बस उधर चल जाओ डायरेक्ट। ये लो अपनी दुकान। ये मेरी रिपोर्ट है, नाम देख ली क्या? मैं और अहमद अब जा रहे हैं, वो अपना टेस्ट देने रुक गए हैं वहाँ पे, हम अपने डॉक्टर पे जाएंगे। उधर तो इतना रश नहीं था, लेकिन इधर जहाँ डॉक्टर को चेक करवानी है रिपोर्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो टेस्ट वाले लेबॉरेटरी में रुक गए हैं, उन्होंने अपना ब्लड सैंपल देना है और हम इधर डॉक्टर के पास आ गए। और अहमद को आते ही बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, वो फीडर पीने लग गया।
हम छुप छुप के फीडर पी रहे हैं, छुप छुप के फीडर पी रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम करना है, अस्सलाम वालेकुम करो, कर दो अस्सलाम। ये वाला हाथ नज़र नहीं आ रहा, बाहर निकाल के करो, चलो आप करो। खैर मामा किशोर, चलो अस्सलाम वालेकुम करो, आप करो, इस हैंड से कर दो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, चलो जी अब हम वेट करते हैं हमारा कब नंबर आता है और हमारे फिर। आप क्यों डांट रहे हो, क्या हुआ, किसने कुछ कहा? कोई नई ताज़ी अभी होती है तो फिर बताते हैं। तो इधर तो बहुत ज़्यादा रश है, पता नहीं मेरी कब बारी आती है। अभी ये भी आ जाते हैं फैट से अपना टेस्ट दे के, ब्लड दे के, तो फिर आगे देखते हैं क्या करना है। हाँ जी हो गया आपके टेस्ट, यूरिन का भी और फैटिक वो ब्लड का भी। अब फिर मंडे को रिपोर्ट मिलेगी, इनके तो टेस्ट हो गए हैं, अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छे ही आएंगे इंशाल्लाह। कितना नंबर है मेरा? 38। ये अहमद का भी इधर आ गया, भी यही हाल हो गया, आके फिर पोईम में जी बस पोईम होनी चाहिए और अहमद होना चाहिए और आप साथ होने चाहिए फिर वो करे जो ये ओए ओए ये आज दो दिन छुट्टी की है इन्होंने, घर रहे हैं ना, तो अहमद बहुत ज़्यादा चिपक गया है इनके साथ, हर बात कहता है मैं अब जान करें, मोबाइल भी उनके पास बैठ के देखना है। धूम बन गया। हाँ वाकई आपकी धूम बन गया मुझे सुकून हो गया जी। डॉक्टर ने कहा माशाल्लाह सब कुछ परफेक्ट है, प्रोटीन की कमी आ गई है आपने, तो आप सफ़ेदी अंडे की खाएं, चिकन वगैरह खाएं, लेकिन साथ उन्होंने कैल्शियम की मेडिसिन भी लिख दी है, वो हम अब लेने जा रहे हैं, वो हमें हॉस्पिटल से मिल जाएगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन वो आपने खा लिया। ये मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी है, ये अब हम लेने लगे हैं, यहाँ पर लाइन लगी हुई है, तीसरा नंबर मेरा। इधर भी रश नहीं, थोड़ा सा ही है, बस जल्दी बारी आ जाएगी, मेडिसिन मिल जाएंगी हमें, कैल्शियम की मुझे जो लिख के दिया ना डॉक्टर ने मेडिसिन, वो अब यहाँ से ही हमें ले रहे हैं। वरना अब आप क्या खिलाएंगे? हाँ जी चलते हैं कंटीन, चलते हैं, ये मेरी मेडिसिन मिल गई मामला की कंटीन में। अहमद क्या खाने हैं? कितने प्यारे फूल, ये अंकल भी प्यारे हैं बाबा जी, ये देख गुप 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 बहुत तेज हो गया ये हमारा चूना, ये वावड़ा की बिल्डिंग, ये वावड़ा की एम्बुलेंस। अच्छा जी ये पार्किंग इस तरफ है और अब हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ वापदा की, क्योंकि हमने नहीं किया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम फास्ट फूड आ गए थे इसलिए फिर नहीं हुआ, जाजी को ले आए थे कि चलो वो कर लेगा और हम लेट हो रहे थे, तो हमने कहा चलो हम जाके कर लेंगे। ये जी कैंटीन तो अच्छी लग रही है, वैसे बाइट से तो अच्छी लग रही है,
ये कह रहा मैंने बैठना नहीं है ना। अहमद बैठ जाओ आराम से, आपकी मर्जी जो मर्जी खिलाते हो आप। कोई थोड़ा बहुत चाय के साथ चाय वाला तो नहीं, खाने वाला ही होना चाहिए, अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। चाय वैसे पी लूँगी मैं, साथ आप ऑफर करा रहे हो छोड़ूंगी नहीं। ये देखिए इसको नीचे उतार दे। अहमद आ मेरे पास आ जाओ बेबी, इधर आओ, आ जाओ मेरा बेबी, आ जाओ मेरा बेबी, आ जाओ। अच्छा जी, ये सारी ऑप्शन भाई हो गया। आलू अंडा, अच्छा आलू अंडा का ये 100 रुपये, 120 चने 60 रुपये, दाल 70 रुपये। ठीक है, अब क्या करें। चलो अब डिश कितनी मरीजों वाली है, सलाद दे दे। सही लग रहा, हम हॉस्पिटल में खाना खा रहे। रोटी कितनी बड़ी है इसकी, चपाती बोलते हैं इसको, कई रेशमी रोटी तो नहीं बोलते इसको, रेशमी कहते हैं ना, उल्टे तवे पे जो बड़ी पतली सी बनती है, ये वो वाली तो नहीं, ये कोई और है। चले जी अब मैं खाती हूँ, खाना पीना हो गया, अब हम निकलने लगे हैं। चलो अहमद मीटर भी दे दो जी, अब निकल आए हैं कंटीन से बाहर। अब हम कहाँ जाएंगे? मेडिसिन ले लेंगे आपकी, वो मंथ में। अच्छा, रास्ते में है वो भी, आपकी पसंद हो जाएगी। मैं 2 दिन के लिए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने वही कह दिया रिपीट कर लें, वही आपको सूट कर गई, आप वही मेडिसिन खाएं 3 मंथ ना। तो अब नहीं, वैसे उन्होंने दोबारा से बुलाया हमें, कोई टेस्ट वगैरह का भी नहीं कहा, बस वो प्रोटीन की यानी कैल्शियम की कोई मेडिसिन लिख दी है, एक दिन छोड़ के एक दिन खानी है। अब हम घर के लिए घर के लिए निकल रहे हैं हम अभी निकल रहे हैं बाइक के लिए। हम बाइक के लिए जा रहे हैं और अब हम बाइक लेंगे, इसके ऊपर बैठेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, फिर किक मारेंगे और फिर हम आगे जाएंगे अपनी मेडिसिन के लिए। तब तक अभी इधर वेट करेंगे हम खड़े होके। आज हम जाजिब की बाइक लेके आए हुए न्यू वाली, चले चलो। ये बाइक लगा रहे हैं और ये है इसके, हम इस बिल्डिंग के हम 5th फ्लोर से मेरी मेडिसिन मिल रही है। और हमारी बाइक का अगला जो टायर है ना वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसको भी ठीक करवाना पड़ना और फिर आगे निकलेंगे। अल्लाह ने बड़ी मुश्किल से बचत हो गई है वैसे, लेकिन जो हमारे साथ हाथ लगा ना उसको चोट लगी है, हम खड़े ही थे ना तकरीबन, इसलिए हमें बस झटका सा ही लगा, लेकिन उस बेचारे को चोट लगी और हमारा पहिया टेढ़ा करके चला गया। वो मेडिसिन लेने गए अब हमारी, और हम इधर वेट कर रहे हैं। फोन बंद कर।
हम आ गए, तो लिफ्ट का वेट हो रहा है, इधर खड़े हैं। और मेरे हस्बैंड ने मुझे मेडिसिन खिला दी है उधर ही। इधर फिर हमारी बाइक ठीक हो रही थी, कोई मिल ही नहीं रहा था बाइक ठीक करने के लिए, और हमारी बाइक इतनी ज़बरदस्त ख़राब हो गई थी, चल भी नहीं रही थी। काफ़ी दुकानों पे घूमे तो फिर पता चला, यहाँ फिर एक आदमी ने बताया कि ना यहाँ से थोड़ा आगे ही होंडा कंपनी है बाइकों वाली, तो वहाँ से आपका ये ना बाइक का अगला पहिया टायर बोल चाहे चक्का बोलते हैं वो टेढ़ा हो गया था बिल्कुल। उसको फिर हमने ठीक करवाया, और वहाँ से ठीक करवाया तो हमारी पिछला टायर पंचर हो गया, फिर उसका पंक्चर लगवाया। बस बहुत ज़्यादा हम ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कह लें जलील होने वाला काम था, थक गए थे सुबह से, हॉस्पिटल थे। तो फिर हम बाद में मैं अपने भाई के घर आई, तो भाई के घर आए तो पता चला कि इधर तो इतनी टेंशन हो पड़ी हुई थी कि मेरी भाई के बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो उसको सांस ही नहीं आ रहा था, और वो नीली होके बेहोश होके गिर गई। तो नवाज शरीफ हॉस्पिटल लेके गए, करीब का हॉस्पिटल था, वहाँ पे भी इसको ज़रा भी सांस नहीं आया, उन्होंने फिर ना रेफ़र कर दिया म्यू हॉस्पिटल ले जाएं इसको। फिर हम म्यू हॉस्पिटल लेके गए ऑक्सीजन लगा के वो एम्बुलेंस में, तो इस बड़ी इतनी ज़्यादा टेंशन रही ना। हेलो, मैं अपनी इज्जत तो पहन लूं। अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब आप ही बोले, मेरा नहीं बोलना। मैडम की तबीयत बहुत सख्त ख़राब है, आज ज़रा ज़्यादा फिर लिया है बाहर। पहले हम हॉस्पिटल गए, फिर अपने चेकअप थे वो सारा फारग हो गए, फिर इसकी मेडिसिन लेनी थी, वहाँ से मेडिसिन ली, लेकिन थोड़ा सा बाइक का काम निकल आया, वो भी हम कह रहे उधर बैठे गए। उसके बाद इसके भाई की बेटी की तबीयत बहुत सख्त ख़राब हो गई, फिर हमें उधर भी जाना पड़ गया, उधर से हम आए हैं। तो अब मैडम की फुल जो है ना इस टाइम तबीयत बहुत सख्त ख़राब हुई हुई है, शक्ल आपको बता रही हूँ। आगे खाना भी बनाया बेशक मैंने साथ हेल्प कराई, लेकिन बनाया तो है ना, अब खा खू के फारग हुए हैं। तो अब जो है अब फारग होके बैठे हैं, तो अब कह रहे हैं मैडम कह रही हैं कि जी हमने वीडियो एंड नहीं किया, तो अब एंड किया है इन्होंने गुस्से हुए मुँह के साथ। तो मिलते हैं फिर कोई अच्छी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। आप देखते रहिए नबीला फैमिली व्लॉग्स, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसको सपोर्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मैंने भी करना है। और मेरी भतीजी के लिए दुआ भी करनी है, क्योंकि उसकी आज बहुत तबीयत खराब हो गई थी, उसने बहुत परेशान किया।